ठाणे महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। कल हमने देखा था हिंदी का एक पाठ, मेरे रजा साहब, और हमने रजा साहब जी के बारे में बहुत सारी जानकारी ली थी। ठीक है, तो हम आज आगे पढ़ने जा रहे हैं उसी पाठ का आधा हिस्सा। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ से शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि ये जो सुजाता बजाज जी है, बहुत ही बड़ी मशहूर ऐसी चित्रकर्ती, चित्रकार यानी कि कलाकार, और उनके गुरु जैसे जो रजा साहब थे, तो उनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ाई की थी। और ये लेसन में हमने उनके बारे में यहाँ पे पढ़ा था। तो आगे चलकर हम लोग देखेंगे आगे क्या हो रहा है। तो देखिए, यहाँ तक पाठ मैंने आपको पढ़ के सुनाया था और चर्चा भी की थी कि मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है, उन्हें बताया तो वो बोले चलो पुणे। ताज होटल के सामने हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। किसने कहा था? रजा साहब जी ने। किसे कहा था? तो उन्होंने कहा था सुजाता जी से कि आप बहुत ही अच्छा चित्र बनाती हो, आपकी कला बहुत ही अच्छी है, तो आपको यहाँ रहना नहीं है, आपको पेरिस में आना है और पेरिस में वहाँ चलकर अपने चित्र का प्रदर्शन करना है, यानी कि अच्छे अच्छे ऐसे पेंटिंग्स यानी कि चित्र बनाने हैं और वहाँ पे प्रदर्शित करने हैं, तो आपकी कला सारे जग में यानी कि पूरी दुनिया के लोग देख सकेंगे। और इसी बारे में सुजाता जी बोलती है, कहती हैं हमें कि ये जो रजा साहब है ये बहुत ही अच्छे इंसान यानी कि बहुत अच्छे गुरु है। आगे जाकर हम देखते हैं, छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ, यानी कि ये जो रजा साहब है वो छोटे से छोटी बात भी महत्वपूर्ण जानते थे और वो पूरी लगन के साथ तन्मयता के साथ सब काम करते थे। तन्मयता यानी कि तन्मयता यानी कि एक जो काम कर रहे हैं तो पूरी लगन के साथ, पूरी मन के साथ, तन्मय होकर उसके साथ जुड़कर हम लोग जब काम करते हैं तो उसको बोलते हैं तन्मयता, और वो तन्मयता के साथ हर एक काम करते थे। दूसरी बात, लगन के साथ। लगन यानी कि वो काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा यानी कि मन की इच्छा जो है वो पूरी इच्छा वहां पर लगा देते हैं, पूरा अपना ध्यान वहां पर लगा देते हैं, उसको बोलते हैं लगन के साथ। पूरी लगन वहां पे लगती है कि मैं ये काम ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर लोगों को दे सकूं। देखिए, पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। देखिए, सामने चित्र दिख रहा है आपको, फोटो दिख रही है रजा जी की, रजा साहब है और उनके वो उनका पेंटिंग जो उन्होंने बनाया है उसके साथ देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिखाई देने वाला पेंटिंग जो है एक है उनका, ऐसे बहुत सारे पेंटिंग जो बनाते थे, और जब पेंटिंग कोई खरीद लेता था यानी कि बिक जाती थी पेंटिंग, तो उसके बाद वो पेंटिंग अच्छे से पैकिंग करके, यानी कि हम लोग किसी भी गिफ्ट लाते हैं, किसी भी चीज को लाते हैं दुकान से, बाजार से, और किसी को गिफ्ट देना होता है या दूसरी जगह लेके जाना होता है, तो हम लोग उसको पैकिंग करते हैं, पूरा दूसरे पुट्ठे के बक्से में डालते हैं या कागज से पैकिंग करते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये जो पेंटिंग्स है ये भी चीज ऐसी है जो ऐसे ही खुली नहीं दे सकते, वो उसको पैकिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो पैकिंग करने में भी रजा जी को बहुत इंटरेस्ट था, यानी कि बहुत ही अच्छा लगता था, वो रुचि करते थे वहां पे, रुचि हुआ करती थी, रुचि यानी कि
उनको अच्छा लगता था। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, और कोई दूसरा आदमी जाकर उन्हें कहता कि मैं आपको मदद करता हूँ, ये पैकिंग मैं कर देता हूँ, तो उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं था, वो खुद ही वो पैकिंग करते थे। किसी को हाथ नहीं लगाने देते, किसी को वो पेंटिंग को हाथ लगाने नहीं देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। कैसे पैकिंग करते थे? बहुत करीने से, यानी कि बहुत अच्छे से, यानी कि बहुत कलाकुसर से, यानी कि बहुत नजाकत से वो पैकिंग करते थे। और धैर्य के साथ, यानी कि कहीं भी खराब न हो, कहीं भी आढ़ा टेढ़ा न हो, ये सब सोच कर वो अच्छे से पैकिंग करते थे। और कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभल कर भेजना है। ये जो मैं पैकिंग कर रहा हूँ, ये क्या है, मेरी लड़की जैसी ये पेंटिंग है। जैसा अपना खुद का बच्चा होता है, लड़की होती है, और वो जब ससुराल जाती है, वैसे ये मेरी पेंटिंग दूसरे घर जा रही है, यानी कि उसके ससुराल जा रही है। तो उसको भेजते वक्त उसे बहुत अच्छे से और उसे संभल कर भेजना चाहिए। इसके लिए मैं खुद, यानी कि अपनी बेटी के बारे में जैसे उसके पिताजी कहते हैं, वैसे वो पेंटिंग के बारे में रजा साहब अपने पेंटिंग को बेटी कहलाते हैं, और उसको क्या करते हैं, संभल कर भेजना चाहिए। ये उनकी मन की भावना है। जब वे किसी को पत्र लिखते, जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते लिखते थे, तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। उन्हें फूल बहुत प्यारे लगते थे। क्या कहा है, ये जब कभी किसी को खत लिखते थे या कभी किसी को और कुछ लिखना होता था, तो मत पूछिए, इतना सोच समझ कर वो लिखते थे कि हर एक पंक्ति हर एक शब्द जो है वो पूरा नाप तौल कर लिखते थे। इनको बोलते हैं मुहावरा। नाप तौल कर लिखना, नाप तौल कर लिखना, यानी कि पूरा सोच समझ कर ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिखना। उन्हें फूल भी बहुत पसंद थे जी। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंच गई। ये जो सुजाता जी है, उनको वो बोलती है कि मुझे अभी भी याद है कि मैं 22 अक्टूबर 1988 में लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंच गई। गार्दिनो पेरिस का स्टेशन है, यहाँ पे हम लोग चित्र में देख सकते हैं। और देखिए, ये स्टेशन है वहां का, और ये स्टेशन पर अकेली जाकर पहुंच गई, ट्रेन से पहुंच गई वहां पर। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी, पर वे वहीं डटे रहे। मेरी ट्रेन बहुत लेट हो गई थी, यानी कि जिस टाइम पर पहुंचनी चाहिए उस टाइम पर नहीं पहुंची, बहुत लेट पहुंच गई, तो भी रजा साहब वहीं के वहीं डटे रहे। डटे रहे यानी कि वहां से कहीं भी नहीं गए, वहीं पर खड़े रहकर वो इंतजार करते रहे कि अभी ट्रेन आ जाएगी। डटे रहना यानी कि अपने ही जो भी हम काम करते हैं वहां पे निश्चल खड़े रहना, निश्चलता के पूर्वक वही काम करते रहना, उसे बोलते हैं डटे रहना। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वह गए। और ये जो लड़की है सुजाता बजाज जी, तब छोटी थी उम्र में, तो उनको उनके अपने हॉस्टल पर, लेडीज के हॉस्टल पर छोड़कर बाद में वो अपने घर चले गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूं पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। क्या कहा उन्होंने, कि
एक बार सुजाता जी जब बीमार थी और कमरे में पड़ी रहती थी, यानी कि सोई हुई थी, क्योंकि उसको उन्हें तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ बुखार आया है या कुछ सरदर्द है, तो हम लोग जैसे सोते हैं वैसे वो पड़ी रहती थी। तभी रात 11 बजे ये रजा साहब जो है, तो उनके लिए दवाइयाँ और उसके साथ भारतीय रेस्टोरेंट का खाना, क्योंकि पेरिस में वहाँ का खाना तो सभी जगह मिलता है, लेकिन भारतीय बनावट का, यानी कि भारतीय खाना जो है वहाँ कई कई होटलों में या कई कई रेस्टोरेंट में मिलता है, तो वो लेकर वहाँ पे वो सुजाता जी के घर पे पहुँच गए। ठीक है, और उन्होंने उसके बाद सुजाता जी के घर घर वाले लोग, इनके माता पिता को फोन करके बता दिया कि आप लोग चिंता ना करें, सुजाता बीमार है, लेकिन आप कोई भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं हूँ पेरिस में यहाँ पे सुजाता की चिंता करने के लिए, क्योंकि सुजाता जी बीमार है तो उनकी देखभाल करनी है, उनको दवा देनी है, खाना देना है, ये सब करने के लिए, चिंता करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो आप लोग चिंता ना करो। ठीक है, हर बार मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। देखिए, हर बार ये जो है ये भारतीय रेस्टोरेंट है, और भारतीय रेस्टोरेंट से उन्होंने, रेस्टोरेंट मीन्स होटल, हम लोग होटल बोलते हैं उसको, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट मीन्स होटल। तो ये भारतीय बनावट का जहाँ पे होटल है वहां से उन्होंने खाना खरीदा और वो उनके घर चले गए। सुजाता जी जब बीमार थी तो उन्होंने भारतीय रेस्टोरेंट से खाना मंगवा दिया, और खाना लेकर, उनकी दवाई लेकर वो सुजाता जी के घर पे पहुंच गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा और भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। देखिए, यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा है रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट मीन्स होटल। जब सुजाता जी बीमार थी और बीमार होकर वो घर पर ही सोई रहती थी, पड़ी रहती थी, तब एक दिन रात को 11 बजे ये जो रजा साहब है, तो उन्हें जब पता चला तो वो उनके लिए खाना और दवाइयाँ लेकर उसके घर पर रात 11 बजे पहुँच गए। तो रेस्टोरेंट बोले तो ये होटल, और उन्होंने क्या कहा अपने सुजाता के घर पे, यानी कि भारत में उसके मम्मी पापा जो थे, हाँ, तो उनको फोन करके बता दिया कि आप लोग, सुजाता बीमार है, इसके लिए चिंता करने की कोई वजह नहीं है, आप चिंता मत करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ सुजाता की चिंता करने के लिए। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। देखिए, रजा जी दिख रहे हैं हमें चित्र में, और वो पेंटिंग पूरी करके बैठे हुए हैं, यानी कि पेंटिंग दिख रही है, पूरी हो गई है, और सब कलर्स है, ब्रश है वहाँ पे मौजूद है, और रजा जी जो है वो बैठे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, यानी कि सुजाता जी कहती है उनके बारे में कि जब कभी भी हम लोगों का पेंटिंग पूरी हो जाती थी, यानी कि मैं कभी पेंटिंग मेरा पूरा करती हूँ या रजा जी जब पेंटिंग पूरी करते हैं, तो हम एक दूसरे को ये पेंटिंग दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हम दोनों एक दूसरे के क्या थे? ईमानदार समालोचक। समालोचक, समालोचक यानी कि गुण और दोष के साथ प्रतिपादन करना या कहना उसके बारे में। जब हम कुछ लिखते हैं तो दूसरा जब पढ़ता है तो पढ़ने वाले ने बताना चाहिए कि ये सही है, गलत है, ये वर्ड अच्छा है, नहीं है। ये जो अपने जानकार लोग होते हैं तो वो ऐसे बताते हैं। जब ये कब होता है? जब वो दोस्ती रहती है या कोई गुरु शिष्य का नाता रहता है, तो गुरु जी जो है, गुरु जो है
वो क्या करते हैं, अपने शिष्यों को बता देते हैं कहाँ गलत है कहाँ सही है, ये अच्छा और कैसा होगा। तो ये जो समालोचन है वो समालोचक की भाषा से हम लोग, ये जो रजा जी है और सुजाता जी है, तो एक दूसरे को बता देते हैं पेंटिंग के बारे में। ठीक है, देखिए, हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की और कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह और अपनेपन के ही कारण था। वो रजा जी जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, और ये कहते हैं कि हमने, यानी कि रजा जी और सुजाता जी दोनों ने मिलाकर एक साथ पेंटिंग की प्रदर्शनियां बहुत जगह की, बहुत सिटीज में, शहरों में की। तो कहाँ कहाँ की? मुंबई में किया, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क, ये चार शहरों में, बड़ी वाली शहर जो है सारी दुनिया की, जहाँ पर दुनिया के सभी लोग देख सकते हैं, और यानी कि मशहूर ऐसे शहरों में उन्होंने अपने चित्र की प्रदर्शनियां दोनों ने एक साथ मिलकर की। फिर भी उन दोनों में कभी भी वाद विवाद नहीं हुआ। विवाद यानी कि झगड़ा, विवाद विवाद यानी कि एक दूसरे से बात करना, यानी कि वर्तन में, या वाद करना, यानी कि उसके बारे में उल्टा सुल्टा चर्चा करना, उल्टा सुल्टा बोलना, इसको बोलते हैं विवाद, चर्चा करना। तो ऐसा विवाद कभी भी नहीं हुआ। देखिए, ये सुजाता जी जो है वो कह रही है कि यह उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही हुआ है। अभी तक हम लोग कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, या हमने इतने बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शनियां की, लेकिन हम दोनों कभी भी एक दूसरे से झगड़ते नहीं है, कभी भी हम लोग विवाद नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, कभी भी कुछ ऊंच नीच बातें नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो रजा जी है जो है ये बहुत ही अच्छे इंसान है। स्नेह और अपनापन उन्होंने उनके पास है, स्नेह और अपनापन, और उसकी वजह से जो भी है वो अच्छे से काम कर सकते हैं हम लोग। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे भी अच्छे लिखते हैं, लिखते थे कविताओं के। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखती हैं। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख कर लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। रजा जी जो है ये ऐसे अनोखे इंसान हैं जिनको यहाँ कहा गया है कि उन्हें हिंदी उर्दू तो आती थी, अच्छे से बोलते थे वो हिंदी और उर्दू भाषाएं। अंग्रेजी और फ्रेंच भी बहुत अच्छा लिखते थे, बोलते थे, और उसके सभी के बाद उन्हें कविताओं से बहुत प्यार था, यानी कि कविता पढ़ना लिखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और शेर, गजल, गजल यानी कि कविता का एक प्रकार, और शेर, शेर शायरी बोलते हैं वैसे, और पुराने हिंदी फिल्में गाने वो बहुत प्यार से सुनते थे, यानी कि रेडियो पर या ध्वनि मुद्रण जो रहता है, कैसेट्स, वो सब हिंदी गाने बहुत अच्छे से सुनते थे, उन्हें बहुत प्यारा लगता था। और हर एक अच्छी चीज जब उन्हें दिखती थी तो अपनी डायरी में लिख कर रखते थे। और सुजाता जी कहती है कि मेरी बेटी जो है हेलेना, वो बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती है, यानी कि वो अपने भारतीय भाषा जो है, भारत की भाषा, अपनी हिंदी, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी, तो ये हिंदी भाषा बहुत अच्छी वो बोलती थी और उन्हें बहुत गर्व होता था उस पर। हाँ, उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ, यानी कि रजा साहब ये हेलेना के साथ हमेशा हिंदी में ही बात करते थे। देखिए,
रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत ही शौक था। ये जो सुजाता जी है ये पेंटिंग कर रही है ना, और ये जो पेंटिंग्स रहते हैं उसके बारे में वो एक दूसरे से बात करते थे। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। देखिए रजा साहब जी का पेंटिंग का काम पूरा हुआ है और वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही सुजाता जी भी पेंटिंग करती थी और उसका भी पेंटिंग जब पूरा हो जाता था तो दोनों भी एक दूसरे को वो पेंटिंग सबसे पहले दिखाते थे और उस पर चर्चा करते थे, उस पर बात करते थे कि पेंटिंग कैसे हुआ है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, उसमें और क्या चाहिए, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, ये सब जो है ये समालोचन वो करते थे। और यहाँ पर ये एक दूसरे के बहुत ईमानदार समालोचक थे। वैसे हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शन की, ये जो है ऐसे पेंटिंग बनाते थे, एक दूसरे को दिखाते थे, ये पेंटिंग है बनी हुई हाथ से बनी हुई। और ये कहती है कि हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में भी साथ साथ प्रदर्शनियाँ की पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। ये इसको बोलते हैं प्रदर्शनी। लोग यहाँ पर आकर ये चित्र जो है, पेंटिंग जो है बड़ी बड़ी है वो देखते हैं। तो ये पेंटिंग्स बड़े हॉल में रखी जाती है, वो बड़े हॉल में वॉल पर लटकाई जाती है। और देखिए यहाँ पे ये एक प्रदर्शनी है और ऐसी प्रदर्शनियाँ हर एक अलग अलग शहरों में बनाई, यानी कि प्रदर्शनियाँ होती है। और तब इनकी प्रदर्शनियाँ तो पूरे जग के बड़े शहरों में यानी कि मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क यहाँ पर हुई थी, लेकिन उनमें कभी भी वाद विवाद नहीं हुए, यानी कि कभी भी उन्होंने एक दूसरे का कोई टोका नहीं और नोकझोंक नहीं हुई। यह उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही था। ठीक है, हिंदी उर्दू तो वे हमेशा बहुत ही अच्छी रही है उनकी, यानी कि उनकी भाषा हिंदी और उर्दू बहुत ही अच्छी थी और उनको कविता भी बहुत प्यारी थी। देखिए आगे, अंग्रेजी फ्रेंच भी वो बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें, शेर, गजल और पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे, एक डायरी में लिख के रखते थे, हर सुंदर चीज को लिख लेते थे उसमें एक डायरी में। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था, वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर बहुत शौक था यानी कि बहुत उन्हें अच्छा लगता था। क्या खाना? अच्छा खाना उन्हें बहुत ही पसंद था, उन्हें बहुत शौक था खाने का। पर दाल चावल, रोटी और आलू आलू की सब्जी, यानी कि हम लोग घर पे जो सादा सीधा सादा खाना बनाते हैं, दाल चावल और रोटी आलू की सब्जी, राजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था। और शौक यानी कि उन्हें बहुत पसंद था खाना, लेकिन उसमें दाल चावल और रोटी और आलू की सब्जी, रोटी के साथ आलू की सब्जी, ये सीधा साधा अपना भारतीय खाना जो है वो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ कहा गया है जैसे उनकी जान अटकी रहती थी, जैसे ये अपने भारतीय खाने में उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर उन्हें भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसिस दोस्तों के लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए, यानी कि उनके फ्रांसीसी फ्रांस के जो दोस्त थे वो फ्रांसीसी दोस्त, वैसे इंडिया के दोस्त इंडियन दोस्त, वैसे फ्रांस के फ्रांसीसी दोस्त, तो उनके फ्रांसीसी दोस्तों को भी हमारा इंडियन यानी कि भारतीय खाना जो है वो पसंद था। और रजा जी को तो बहुत पसंद था, इसके लिए मैं सप्ताह में एक दिन शाकाहारी खाना बनाकर उन्हें भेजती थी। शाकाहारी यानी कि दाल रोटी चावल
ऐसा सब्जी सब बेचती थी। रारा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। क्या हुआ? रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्त जो थे उन्हें मैं रजा साहब नहीं रहे ये बात सुनाने गई तो उनके घर में भी रजा साहब की पेंटिंग्स उनके दीवारों पर लटकी हुई देखने को मिली। काफी सारी कृतियां यानी कि काफी सारी पेंटिंग्स देखने का मौका मिला। मैं हमेशा कहती रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं। मैं हमेशा कहती थी कि आप मेरे एंजल गार्जियन हैं। एंजल मीन्स जो देवदूत मराठी में बोलते हैं या परी ऐसे रहती है जो हमारे सपने में आकर हमें सब कुछ दे सकती है उसे हम लोग एंजल बोलते हैं। तो वैसा मेरे लिए यानी कि सुजाता जी के लिए ये रजा साहब जी है वो वैसे ही क्या है एंजल है यानी कि देवदूत बने हुए हैं। तो मुस्कुरा देते पर सन 2000 के बाद से कहते थे वो ऐसा जब सुजाता जी कहती थी कि आप मेरे एंजल गार्जियन हैं तो वो मुस्कुरा देते थे और 2000 सन 2000 के बाद यानी कि 2000 साल के बाद वो कहने लगे थे क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है तुम मेरी एंजल गार्जियन हो अब मैं नहीं। क्या कहते थे? अब मैं नहीं अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो। यहाँ पे चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो ये एंजल की कहानी सुनते हैं बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे एंजल हर एक के जीवन में कोई ना कोई रहता है वो गुरु होता है मित्र होता है माँ होती है पापा होते हैं कोई ना कोई एंजल जैसे होते हैं जो हमें बहुत प्यारे लगते हैं और अपना हमें सही रास्ता दिखाते हैं हमें मार्गदर्शन करते हैं उन्हें बोलते हैं एंजल गार्जियन। ठीक है तो हम आगे जाकर देखेंगे हमारी शब्द वाटिका। तो यहाँ पर देखिए नए शब्द जो है हमने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं और कल भी कुछ लिखे थे तो अपने स्लाइड में देखिए समाचार प्रदर्शनी समालोचक तन्मयता लगन रेस्टोरेंट अनहोनी विवाद गजल और शौक। ठीक है आगे मुहावरे भी हमने देखे हैं नाप अलविदा कहना यह कल पढ़ा था नाप तौल कर लिखना डटे रहना जान अटकी रहना। आगे दोनों ने मिलाकर चित्र प्रदर्शनियां कहाँ पर यानी कि कौन कौन से शहरों में की थी तो उसका हम लोग देख सकते हैं। हम लोग जब लेसन पढ़ेंगे तो हमें हमने पढ़ा है इसमें अभी कि कौन कौन सी शहर है वो मुंबई लंदन पेरिस और न्यूयॉर्क ये चारों शहरों में बड़ी शहरों में उनकी प्रदर्शनियां एक साथ हो चुकी थी। और इस पाठ में और कौन कौन से देश हम लोगों ने देखे हैं पढ़े हैं भारत फ्रांस इंग्लैंड और अमेरिका। उसके बाद इस पाठ में भाषाएं कौन कौन सी आई हैं कौन कौन सी भाषाओं के नाम आए हैं हिंदी उर्दू अंग्रेजी और फ्रेंच। और रजा साहब जी जो है उनकी जान कौन से खाने में अटकी रहती थी यानी कि उन्हें तो सब खाने की चीजें बहुत पसंद थी खाने का बहुत शौक था फिर भी कई यानी कि कौन से खाने में उनकी जान अटकी रहती थी यानी कि बहुत प्यारा होने लगता था तो दाल चावल और रोटी आलू आलू की सब्जी। ठीक है आगे चलिए तो यहाँ पर हम लोग ये पाठ पूरा पढ़ चुके हैं और उसके जो प्रश्न है अगले पृष्ठ पर जो प्रश्न है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर अपने पीपीटी में देखे हैं और पूरा रिवीजन किया है। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ रुकते हैं ये पाठ आप लोग पढ़िए और ये फिर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो शेयर भी कीजिए और ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।